देश में संपूर्ण लॉकडाउन है और 21 दिनों के लॉकडाउन में महज 3 दिन बाकी है। अभी हम खड़े हैं पटना के बोरिंग रोड के बगल में शिवपुरी के सब्जी मंडी के पास। आप देख सकते हैं यह शिवपुरी का सब्जी मंडी है और यहाँ पर लॉकडाउन के निर्देशों को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। सब्जी मंडी और सब्जी ये इमरजेंसी सेवाओं में है जो सरकार के द्वारा यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा सुबह 6 से शाम 6 तक खुली रहेगी, लेकिन ये लॉकडाउन और मात्र 3 दिन बाकी है, इस पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज्यों के आज विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो बढ़ रही है लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या, बिहार में भी तेजी से बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, आंकड़ा तकरीबन 60 तक है, लेकिन इस पे विशेष चर्चा हुई। लोग सोचे, बिहार सरकार सोचा और प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, किन शर्तों पे बढ़ाया जाए। अभी देख सकते हैं अभी शिवपुरी के इस सब्जी मंडी में है किस तरीके से लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है, उसके निर्देशों को फॉलो किया जा रहा है और सब्जी खरीदने आए लोग कितना सजग है, कितना जागरूक है, क्या उनके उनके ऊपर मास्क है या नहीं, उनके ऊपर वो मास्क लगाए हुए हैं या नहीं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं यहाँ सब्जी मंडी के अंदर। और आप देखिए, हम पूरा दृश्य दिखा रहे हैं, ये आपको वो सामान्य दिन लॉकडाउन से पूर्व में जो सामान्य दिन था उसका याद दिलाएगा आपका, आपको ये दृश्य, ये विचलित करने वाला दृश्य, यह विचलित करने वाला यह दृश्य हमने आपको दिखाया इस लॉकडाउन के दौरान। जिला प्रशासन को इस पे ध्यान देना होगा कि किस तरीके से इस सब्जी मंडी को किसी कंडीशन पे, किस कंडीशन पे, किस शर्त पे यहाँ से लॉकडाउन का नियमों को पालन कराया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा जा सके, मास्क लोगों के चेहरे पर हो ताकि इस संक्रमण से हम बच सके। लगातार हम आपको अपडेट कराते रहेंगे।